सब्सक्राइब कीजिए प्लैनेट 55 इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यू तो विदेश जाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन शायद ही कोई होगा जो नॉर्थ कोरिया जाना चाहेगा। आपका कैसा हेयर स्टाइल हो, आप क्या पहने और आपका जन्मदिन कहाँ मनाए, ऐसे नियमों को आप अजीब कहेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया में परंपरा, कानून और कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षय और आपका स्वागत है प्लैनेट 55 के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए जानते हैं दुनिया का अलग थलग देश नॉर्थ कोरिया के बारे में, अजीब से नियम और तथ्यों के बारे में। नॉर्थ कोरिया में कर्मचारियों को करना होता है 7 दिन काम। अगर आपकी कंपनी आपसे संडे को भी काम करा लेती है, यकीनन आपको बुरा लगता होगा। नॉर्थ कोरिया में कर्मचारियों को नियमानुसार 7 दिन काम करना होता है। जी हाँ, 6 दिन काम करने के बदले में उन्हें तनख्वाह मिलती है, जबकि 7वें दिन बिना वेतन के काम करके वो राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में अभी 2017 चल रहा है, तो आप सरासर गलत है। वहाँ जूस कैलेंडर चलन में है। अभी वर्तमान में नॉर्थ कोरिया में 105वां साल चल रहा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर किम जोंग के दादा किम इल सुंग के जन्मदिन के बाद शुरू होता है। आपको सामान्य सा लगने वाला अपराध नॉर्थ कोरिया में आपको मौत के करीब पहुंचा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ बाइबल रखना या फिर साउथ कोरियाई फिल्म या पॉर्न देखने पर मौत की सजा भी मिल सकती है। यकीन मानिए, इन अपराधों के लिए इस देश में कोई क्षमादान नहीं मिलता है। यहाँ गरीबों की फोटो लेने पर सख्त मनाही है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का मानना है कि यहाँ के गरीबों की फोटो दुनिया के लोगों के सामने आने पर देश की इमेज खराब होगी। यहाँ कोई भी व्यक्ति गरीबों के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, नहीं तो आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया में टीवी चैनल्स के नाम पर केवल 3 ही चैनल्स है। इसके अलावा यहाँ कोई और तरह का कोई टीवी चैनल नहीं है। यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में पता चले। नॉर्थ कोरिया में कार रखने पर पाबंदी है। जी हाँ, यहाँ सिर्फ सेना के अधिकारी या सरकारी ऑफिसर ही कार रख सकते हैं। यहाँ के सड़कों में चौराहों पर ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की व्यवस्था नहीं है। पुलिसकर्मी इशारों से वाहनों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ आम जनता के लिए इंटरनेट भी नहीं है। जी हाँ, इंटरनेट की सुविधा यहाँ पर चंद लोगों के लिए ही उपलब्ध है। नॉर्थ कोरिया का अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका नाम है डेर स्टार। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का शासन मृत व्यक्ति के नाम पर चलाया जाता है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में शासन किम सुंग के नाम पर चलाया जाता है। नॉर्थ कोरिया में 2000 महिलाओं को प्लेजर स्क्वाड में रखा गया है। इसका मतलब वही है जो आप अभी सोच रहे हैं। इस देश के इतिहास की किताबों में सिर्फ किंग जोंग 1 और किंग जोंग 2 की वीर गाथाएं पढ़ाई जाती है। दुनिया के बाकी देशों के इतिहास से उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लोगों को पढ़ने के लिए अखबार भी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए बस स्टैंड पर अखबारों की कॉपी लगाई जाती है, जिसे पढ़ने के लिए लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के कानूनों के मुताबिक कोई अगर अपराध करता है तो उसकी 2 पीढ़ियों को सजा भुगतनी होती है, यानी कि आपके बच्चों के बच्चों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इस बात के आदेश जारी किए गए हैं कि सभी मकानों को भूरे रंग में रंगा जाए। ये अलग बात है, इस रंग में सब कुछ भद्दा दिखाई देता है। इन मकानों पर नेताओं के फोटो लगाने का प्रचलन है। अगर लोगों ने ये नहीं किया तो उनको सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। नॉर्थ कोरिया में पर्यटक मोबाइल फोन को लेकर नहीं घूम सकते। उनसे मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर ही लिए जाते हैं और जब वे अपना देश वापस जाते हैं तब उन्हें उसे वापस किया जाता है। केवल यही नहीं, पर्यटक स्थानीय लोगों से बात नहीं कर सकते। वे हमेशा गाइड की निगरानी में होते हैं और खुद से कहीं घूम नहीं सकते है। नॉर्थ कोरिया के हर एक घर में सरकार नियंत्रित रेडियो लगाए गए है। यहाँ के नागरिकों को ये अनुमति नहीं है कि वो इस रेडियो को बंद कर सके। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ के अखबार, मैगजीन और समाचार चैनल बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं देते। यहाँ जनता को सिर्फ वही समाचार दिखाए जाते हैं जो सरकार चाहती है। नॉर्थ कोरिया में सरकार तय करती है यहाँ की जनता क्या पहनेगी। उदाहरण के लिए इस देश में जींस पहनने के लिए पाबंदी है। सत्ता में आने के 1 साल बाद नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन ने बालों के स्टाइल के बारे में एक नया कानून बना लिया और उसे लागू भी किया। पुरुषों के पास केवल 10 विकल्प होते हैं और महिलाओं के पास 18 विकल्प। सरकार के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन इनका हेयर स्टाइल सबसे बेहतर है। वैसे आज की इस वीडियो में और इस नॉर्थ कोरिया के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा।
तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और आपको जिस प्रकार के भी वीडियो चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।